बच्चों एनटीए विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने एडमिट कार्ड अपनी वेबसाइट और एनटीए की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। आप सभी स्टूडेंट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसमें सारी डिटेल चेक कर सकते हो। और आज की जो ये मेरी वीडियो है इसमें एडमिट कार्ड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा, लाइक आपके एडमिट कार्ड में क्या क्या अटैचमेंट करने हैं और बच्चों क्या क्या आईडी प्रूफ भी लेके जाने और क्या क्या चेक करना है। आपका पहला स्टेप रहना चाहिए, जो आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में आया है डाउनलोड होने के बाद उसमें जो डिटेल एनटीए विश्व भारती ने दिया है वो डिटेल का सेम आपके पास कोई भी एक एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, कैसा भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। मींस कि जो भी डिटेल है, मींस आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका डीओबी, आपका एड्रेस, ये सारी डिटेल एज इट इज सेम आपके आईडी प्रूफ में होनी चाहिए, जब ये आपको एग्ज़ाम में एंट्री मिलेगी। अदरवाइज आपको एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकाल देंगे, एंट्री नहीं मिलेगी। अगर इधर उधर कुछ नाम की भी मिस्टेक है ना तो भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आपके एडमिट कार्ड में ये इशू है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर पर्सनली इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, पहले स्टेप में आपको अपना एडमिट कार्ड चेक करना है। सेकंड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट और एडमिट कार्ड को साथ साथ मैच करना है, क्या इसमें जो डिटेल दी गई है वो डिटेल सही है या फिर मुझसे कुछ गलती हुई है, तो ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या लेके जाना है। बच्चों यहाँ पे तीन चार तरह के आईडी प्रूफ दिए हुए हैं। अगर आपके पैन कार्ड में मिस्टेक है तो मत लेके जाओ, अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में मिस्टेक है तो मत लेके जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड सही मैच हो रहा है आपके एडमिट कार्ड के साथ जो डिटेल आपने दी है, तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है। और आपको जो है एक फ़ोटो भी साथ लेके जाना है और एक फ़ोटो आपको एडमिट कार्ड पे भी लगाना है, वो मैं बताऊंगा आपको लगाना कहाँ पे है। सो बच्चों जब आप एक एडमिट कार्ड देखते हो तो उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन का नीचे एक ऑप्शन दिया गया है नोट में, जो कि आपका रेड कलर का है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे तीन ब्लॉक दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, ऐसे थर्ड। उसमें लिखा है यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो लगाना है, फोटो लगाना है यहाँ पे, जो फोटो एज इट इज सेम आपने एडमिट कार्ड पे ऊपर टॉप में लगाया है वो फोटो आपको यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड के आपको थंब लगाना है, ठीक है, आपको अंगूठा लगाना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड का। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, तो आपका एडमिट कार्ड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको करनी है और एडमिट कार्ड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट इनके साथ मैच कर रहा है वो डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना है और बाकी एक फ़ोटो भी साथ साथ आपको कैरी करना है, ताकि आगे चल के जब आप एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री करने के लिए रेडी हो तो वहाँ पर जाके कुछ भी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। अगर उधर इन सिचुएशन में प्रॉब्लम हुई, मींस आपका पीक पॉइंट रहेगा और जो बच्चों सिचुएशन रहेगी उसमें माइंड भी काम नहीं करता है, तो इसमें आपको प्रेजेंटेबल होके जाना है। मींस आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी रिलेटेड टू द इसके रहेगा, आईडी प्रूफ वगैरह जो लेके जानी है, जो भी आपको जो है आपके एडमिट कार्ड के साथ मैच करेगा वो आईडी प्रूफ लेके जानी है, एक फ़ोटो साथ लेके जाना है, एक फ़ोटो इसमें लगा देना है, कंप्लीट ये सारी डिटेल होगी और बच्चों आपको यहाँ पे एंट्री जो है मिल जाएगी और आप अपना एग्ज़ाम दे पाओगे। फिर भी कुछ डिटेल है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू भाई।